I think after my Ulhasnagar street food video, this was one of the most requested videos. So I'm finally doing a video on Kalyan street food. Hi guys, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja और आज के वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ कल्याण के सम ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। कल्याण में कुछ इतनी ऐसी पॉपुलर प्लेसेस हैं जो उल्हासनगर और डोंबिवली के लोग भी कल्याण में आके खाते हैं। Also a huge shout out to a lot of people who have been mailing me, DMing me on Instagram and commenting on my YouTube videos recommending me some of the best places in Kalyan. So I have actually made a list. So this is just part one of Kalyan street food because Kalyan is huge. So I'm going to try and cover जितना मैं आज कर सकती हूँ और अगर आप कल्याण से हैं और अगर मैं थोड़ी प्लेसेस मिस करती हूँ तो प्लीज़ मुझे और भी प्लेसेस बताइएगा कमेंट्स में so that I can include them in part two. आज के वीडियो में हम खाने वाले हैं चाइनीज़ फूड, सम ब्रेड कटलेट, हम थोड़ा मिल्क शेक ट्राई करेंगे एंड लॉट्स मोर गुड स्टफ. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नो व्हाट कैन यू गेट द बेस्ट इन कल्याण. सो आज की जो हम पहली प्लेस जा रहे हैं इट्स रियली पॉपुलर, इट्स कॉल्ड अंबर वड़ा पाव. लेट्स गो. आज की जो पहली प्लेस हम आए हैं वो है अंबर वड़ा पाव. अब जैसे मैंने आपको बताया कि कल्याण में बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स हैं विच आर रियली पॉपुलर अमंग पीपल इन उल्हासनगर एंड डोंबिवली. ये प्लेस उनमें से एक आता है. अब यहाँ का वड़ा पाव एक्चुअली बहुत पॉपुलर है बट यहाँ पर एक और चीज़ मिलती है जो मेरे फ्रेंड्स जो कल्याण में रहते हैं उन्होंने सजेस्ट किया. इट्स ब्रेड कटलेट. सो इफ़ यू वांट अ वड़ा पाव यू कैन डेफिनेटली ट्राई. मैंने पर्सनली यहाँ का वड़ा पाव खाया है एंड आई लाइक इट बट ब्रेड कटलेट मैंने पहले नहीं खाया है. सो आई थॉट आई शुड ट्राई something new. So this is how the bread cutlet looks like. It looks a little different. Let me show you. So this is how the bread cutlet looks like. It looks quite filling, right? एक bread पकोड़ा और bread cutlet है. उसके ऊपर उन्होंने एक चटनी डाली है जो इनकी स्पेशल चटनी है जो आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगी और ऊपर से थोड़ा उन्होंने ड्राई चटनी भी डाली है जो आई थिंक इज गार्लिक की चटनी. Chunks of raw onion and a green chili. इसके अंदर आलू की फिलिंग है, थोड़ा जीरा दिख रहा है, कांदा दिख रहा है थोड़ा सा एंड दिस लेयर इज सुपर थिक. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. वाओ. अंदर की जो स्टफिंग है इट्स पटेटो, थोड़ा जीरा, नॉट स्पाइसी एट ऑल. दिस होल प्रिपरेशन इज नॉट स्पाइसी एट ऑल. जो चटनी डाली है उन्होंने वो थोड़ी सी मीठी है पर इतनी भी मीठी नहीं है, थोड़ी सी मीठी है और ऊपर से जो उन्होंने ड्राई गार्लिक चटनी डाली है दैट्स लिटिल स्पाइसी. So it's good flavors. I haven't really eaten a bread pakoda with a मीठी चटनी. थोड़ी खजूर की चटनी है बट इसमें और भी थोड़ी ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं बिकॉज खजूर की चटनी ना बहुत ज़्यादा मीठी होती है बट ये उतनी भी मीठी नहीं है. इट्स फ्राइड वेरी नाइसली. अब ये एक्चुअली लोग मॉर्निंग में खाते हैं तो अगर आप मॉर्निंग में खाओगे तो आपको इससे भी ज़्यादा फ्रेश मिलेगा ये. कोरिएंडर भी डाला हुआ है ढेर सारा. आई रियली लाइक इट. बस एक कंप्लेन है, ये ना थोड़ा सा और स्पाइसी होता ना मुझे बहुत मज़ा आ जाता था. लाइक इफ़ आई वुड हैव गॉटन अ स्पाइसी चटनी ऑन दिस तो बहुत मज़ा आ जाता. टुडेज नेक्स्ट प्लेस इज रियली पॉपुलर फॉर टू रीजंस. ए, ये कॉलेज के बाजू में आता है तो इट्स एक्चुअली फ्रीक्वेंटेड बाय अ लॉट ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड सेकंड यहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं एट अफोर्डेबल रेट. सो दिस प्लेस इज कॉल्ड कैफे लिक्विड लव. मैं एक्चुअली इनका मेन्यू देख रही थी एंड दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक पास्ता, चाइनीज सैंडविचेस, पनीनीस, पिज्ज़ास एंड आई हैव फाइनली डिसाइडेड टू गो अहेड विद अ पिज़्ज़ा. आई एम ऑर्डरिंग अ शेफ स्पेशल पिज़्ज़ा. इट्स ऑल्सो वन ऑफ देयर स्पेशलिटीज़. The pizza is finally here. It's a 7-inch pizza but you can also go ahead for a 10-inch pizza. This I think is for 280 rupees. This smells really good. It's a thin crust pizza. इसके ऊपर मुझे bell peppers दिख रहे हैं, cheese, पनीर and some onions. It's good. इसमें ना थोड़ा सा Chinese flavor type भी आ रहा है. The best thing about this pizza इसमें ना एक ऐसा चाइनीज़ सा फ्लेवर आ रहा है बट इसमें जो आप स्ट्रीट साइड पिज़्ज़ास खाते हो जिसमें वो एक अच्छा स्पाइसीनेस होता है वैसा भी है और इसमें हर्ब्स भी काफ़ी डाली हुए हैं. मतलब अगर मैं ये नहीं भी डालूँ तो चलेगा बिकॉज इट्स रियली नाइसली स्पाइस्ड. पनीर और मशरूम्स की भी अच्छी क्वान्टिटी है. ये ऐसे इतना क्रंची नहीं है और चीज़ ढेर सारी डाली हुई है। आपने वो चीज़ पुल देखा? इट्स एक्चुअली रियली डिलिशियस। ये पिज़्ज़ा की सबसे बेस्ट बात ये है कि इसकी पिज़्ज़ा सॉस बहुत अच्छी है, थोड़ा गार्लिकी टेस्ट है, थोड़ा चाइनीज़ टाइप टेस्ट है, तो इसमें एक देसी टच भी आ रहा है। बट आई जस्ट फील कि थोड़ा सा और क्रिस्पी होता ना, एकदम थोड़ा सा, तो और मज़ा आ जाता था। इवन तो इसमें चीज़ इतना ज़्यादा है, चीज़ का टेस्ट इतना डोमिनेट नहीं कर रहा है। कैफ़े लिक्विड लव से निकल के ऑपोजिट साइड में ही बिरला कॉलेज के यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने के। सो देयर सम फ्रैंकी, चाइनीज़, डोसा, चाट, पाव भाजी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड आई वाज क्रेविंग फॉर अ गुड डोसा, तो मैंने अपने लिए एक डोसा ले लिया। ये स्टॉल का नाम है द पोतेज डोसा और मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। लाइक यू कैन सी राइट नाउ, आई एम जस्ट गोना पैन द कैमरा। यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, तो मैंने अपने लिए एक मसाला डोसा ले लिया। मुझे एक्चुअली चाइनीज़ खाने का भी बहुत मन हो रहा था, बट देन आई एम गोना हैव Chinese later at a different place. वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कहाँ। It's one of my most favorite places in Kalyan, so keep watching. But for now, let's have this piping hot masala dosa. So there's a garlic chutney, sambar, coconut chutney जो बहुत ही watery है, बहुत ज़्यादा watery है। Size medium है, I think for one person it's enough. I'm shooting in car because बाहर इतना ज़्यादा आवाज़ था। गाइस, वो जो गार्लिक की चटनी है आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा ले ली और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट्स द रीज़न उन्होंने इतनी कम दी है। बट द डोसा इज़ रियली नाइस, वार्म, एकदम सिंपल। इट्स नॉट क्रिस्पी, इट्स लाइक रियली वार्म। थोड़ा सा एकदम हल्का सा आलू है, थोड़ा मसाला है, कांदा डाला हुआ है, मस्टर्ड सीड्स डाले हुए हैं। एंड मेरे को ये चटनी तो बहुत ओके लगी, बट दिस सांबार एंड दिस गार्लिक चटनी इज़ डिलिशियस। And while I'm having dosa, let me tell you, I'm coming to Chennai next week, followed by Pondicherry. So I'm gonna be in Chennai for a week. So if you guys have any recommendations, do let me know over here and follow me on Instagram. क्योंकि अगर हम लोग meetup कर रहे हैं तो मैं सारी details वहाँ पर डालूंगी। This dosa is really nice. I am personally kind of a person जिसे ऐसे simple dosas बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें इतनी stuffing नहीं हो कि dosa ही पूरा गीला हो जाए। So I absolutely love this. इतना heavy भी नहीं है, it's really light. Today's next place is Cafe Creme. ये भी one of the most recommended places में से एक थी। यहाँ पे हम try करने आए हैं कुका। Honestly जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे मालूम नहीं था कि कुका exactly होता क्या है। And then I spoke to the staff and I came to know it's actually cold coffee, just like really thick with some chocolate sauce and some crushed chocolate. So I have ordered one kuka for myself और ऊपर से chocolate sauce डाली हुई है। It's like really sweet. This actually is very milky. बहुत ऐसा लगेगा कि आप एक मिल्क शेक और कोल्ड कॉफ़ी को अगर आप मिक्स कर दो वैसा टेस्ट आता है। चॉकलेट का एक बहुत अच्छा स्वाद आता है। It's actually good. So I can taste three things at a time. हल्का सा एक कॉफ़ी का पंच, some chocolate, chocolate का एक बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है and a very milky taste. So it's actually really nice. थोड़ा different है. I absolutely love this. आज की जो हम नेक्स्ट प्लेस आए हैं इट्स कॉल्ड तात्याची मिसल। अगर आप कल्याण आते हो तो आपको महाराष्ट्रियन फूड तो खाना ही पड़ेगा। ये प्लेस एंटर करते ही मुझे कितना अच्छा वाइब आ रहा था। लाइक लुक एट द इंटीरियर्स ऑफ दिस प्लेस। ये प्लेस की जो टेबल्स हैं दे मेड ऑफ वुड ऐसे एकदम बहुत ही रूरल और एक रस्टिक वाइब आता है ये प्लेस का। सो आई रियली लव द इंटीरियर ऑफ दिस प्लेस। सो मैंने अपने लिए यहाँ पर ले ली है 1 प्लेट ऑफ मिसल पाव विच इज़ फॉर 50 रुपीज़। दिस इज़ मिसल, ये एक पापड़ देते हैं, कांदा, नींबू और साथ में आपको रस्सा और तरी मिल जाता है। सो इफ़ यू वांट टू मेक योर मिसल एक्स्ट्रा स्पाइसी यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस, बिकॉज आई फील बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी मिसल पाव इतनी भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए होती है। सो उनके लिए एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेट्स हैव दिस, लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। स्पाइसी, इट्स रियली गुड। मैंने ये मिसल का वो पार्ट ले लिया जिसमें तरी डाली हुई थी एंड इट्स एक्सट्रीमली स्पाइसी। फरसान अभी तक फ्रेश है, मतलब मैंने इतना शूट किया फिर भी इट्स स्टिल फ्रेश, इट्स स्टिल क्रंची। इसमें करी लीव्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है, मतलब एकदम ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट। मैं इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देती हूँ बिकॉज आई फील थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी हो गया मेरे लिए। इसमें ना ऑयल की भी ऐसे अच्छी खासी टेस्ट आ रही है जैसे मिसल्स में आती है, बट इतनी ओवर पावरिंग नहीं है वो। रियली गुड। पापड़ भी अच्छा है। इसमें स्प्राउट्स के तौर पे मेनली सिर्फ मूंग ही यूज़ किया गया है, बट इसका टेस्ट ऐसा काफ़ी अच्छा है। इट्स अ गुड मिसल एक्चुअली। ये मिसल में पोहा, आलू ये सब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रेपरेशन है। जस्ट सम रस्सा, ऊपर से थोड़ा तरी, फरसान और स्प्राउट्स डाले हुए हैं, बट इनके जो फ्लेवर्स हैं एक्चुअली वो काफ़ी डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स हैं। सो आई एक्चुअली हैड अ वर्ड विद द ओनर एंड ही टोल्ड मी कि इनका जो सामान होता है मिसल बनाने का, इट कम्स फ्रॉम नासिक। आज की जो हमारी नेक्स्ट प्लेस हम आए हैं, इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेसेस इन कल्याण। जैसे मैंने आपको बताया था कि चाइनीज़ खाने हम एक प्लेस पे जाने वाले हैं। सो दिस इज़ द प्लेस, इट्स कॉल्ड राइजिंग। ये प्लेस एक्चुअली काफ़ी पुरानी है कल्याण में, और कल्याण में जिसको भी चाइनीज़ खाना होता है वो या तो राइजिंग चूज़ करता है या तो मिंगयांग। मैंने यहाँ पे ले लिया अपने लिए राइजिंग स्पेशल। इनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। लेट मी शो यू। नीचे फ्राइड राइस है, ऊपर से इन्होंने मंचूरियन विद ग्रेवी डाली है एंड दीज आर चीज़ क्यूब्स। ऊपर से इन्होंने थोड़ी शेजवान चटनी डाल के दे दी है जो आप अलग से भी ले सकते हो। सो फ्रिकिंग गुड। मुझे ये प्लेस का चाइनीज़ एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बिकॉज ये ऐसे ही सिर्फ स्पाइसी नहीं होता है, ये चाइनीज़ एक्चुअली काफ़ी फ्लेवरफुल होता है। इवन इफ इट्स गार्लिक, सोया सॉस, चिली सॉस और वेजिटेबल सब राइट प्रोपोर्शन में डाला हुआ होता है। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस चाइनीज़। द शेजवान चटनी इज़ सो गुड। ये बीच बीच में ना आपको थोड़े फ्राइड नूडल्स भी आएंगे तो एक अच्छा सा टेक्सचर ला रहे हैं। अब मैं थोड़ा मंचूरियन का पीस ले लेती हूँ। बहुत ही अच्छे चाइनीज़ फ्लेवर्स हैं, ये एकदम देसी चाइनीज़। एक और चीज़ जो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है कि जो भी ये बनाते हैं बहुत फ्रेश बनाते हैं। मैं आपको 2 चीज़ें जो यहाँ पे रेकमेंड करूँगी, एक है राइजिंग स्पेशल और एक है बरिस्ता। और ये सिर्फ हाफ प्लेट है। ओके, जो बरिस्ता और राइजिंग स्पेशल है दोनों वेज और नॉन वेज में आता है। इट्स नॉट टू स्पाइसी एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं। तो गाइस मैं व्लॉग एंड करने वाली हूँ बाय हैविंग अ ओरियो शेक एट आशा। This again is another popular joint serving delicious milkshakes and juices, and they also have some snack options. एक चीज़ जो मैंने actually देखी इनकी menu में is that the items were really affordable. They were really inexpensive. Like this Oreo shake is just for 30 rupees. So that's really good. Let's taste and see how the quality is like. So ऊपर से इन्होंने थोड़ा Oreo क्रश करके भी दिया है, और वो जो Oreo के बीच में जो क्रीम होती है वो थोड़ी इन्होंने यहाँ पे डाल के दी है। दिस इज़ गुड। आई मीन इतना थिक नहीं है, इट्स लिटिल वाटरी, बट देन फॉर द अमाउंट दैट आई एम पेइंग दैट्स 30 रुपीज़ इट्स टोटली वर्थ इट। ओरियो का एक इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है। इट्स लाइक आई हैव क्रश्ड सम ओरियोज इन मिल्क एंड आई एम ड्रिंकिंग इट। बहुत अच्छा है। ओरियो के पीसेस के भी ऐसे थोड़ा थोड़ा क्रंची फ्लेवर आ रहा है। सिर्फ एक चीज़ मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा स्वीट हो गया है। आई डोंट नो इफ दे हैव एडेड शुगर और नॉट, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा स्वीट लग रहा है। Otherwise it tastes really good. I know I haven't done a comment shout out since like so long. It's because मैं यूरोप में शूट कर रही थी और वहाँ पे मैंने आउटशोज शूट ही नहीं किए थे. So I wanted to do comment shout out while I'm doing like real time, not do a voice over later. So आज का comment shout out goes to two people. इतना ऐसे simple comment किया है उन्होंने. One is Shama Khan who says new subscriber. Thank you so much Shama. Welcome to the GG squad. Second comment shout out is Pooja Behera who says you look too pretty in this video, Di. And yeah, I am eagerly waiting for this video because I love Punjabi food. Thank you so much, Pooja. So, if you also want that your comment be featured in the end of the video, make sure you leave a comment below, and it can be anything. It can be about the video, about you, about this channel. It can be anything. So leave that in the comments below. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए एंड डोंट फॉरगेट दिस इज़ जस्ट पार्ट 1 ऑफ कल्याण स्ट्रीट फूड. पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगी आफ्टर चेन्नई प्रॉबेबली. सो लीव योर रिकमेंडेशंस फॉर कल्याण स्ट्रीट फूड इन द कमेंट्स बिलो. आई एम गोना डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो. इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ ऑल योर कल्याण फ्रेंड्स. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन खाओ पियो खुश रहो. बाय.